मध्य प्रदेश में जल्द आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य शासन द्वारा इस दिशा में कार्यशैली अपनाना शुरू कर दिया है। बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार का काम केवल सड़क पुल पुलिया बनाना ही नहीं, इंसानों की जिंदगी बचाना भी है। ऐसे में नशीली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अबकारी नीति तैयार की जाएगी। साथ ही मॉडल पंचायतों को 1,00,000 रुपए सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। ऐसी आबकारी नीति जिसमें शराब को प्रोत्साहन न मिले और न ही पीने वालों को कोई परेशानी। सीएम शिवराज ने कहा कि ड्रग्स और अवैध गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। सीएम शिवराज ने स्पष्ट कहा कि सरकार की तरफ से समाज को नशा मुक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए सुरक्षित आबकारी नीति तैयार की जाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लगातार शराबबंदी सहित प्रदेश में शराब को लेकर सख्त कानून की मांग करती नजर आ रही है। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि मध्य प्रदेश नशा मुक्ति में भी मॉडल राज्य बनकर उभरेगा। मामले में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय निशक्त जन कर ले आना प्रतीक हजेला ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए शुरू किए गए राज्यव्यापी अभियान में स्वैच्छिक संगठन धर्मगुरु सहित सभी वर्ग की सक्रियता बढ़ाकर जन सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।